आपको बता दें, मामला हाथरस जिले के विकासखंड शासनी क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर का है। विद्यालय में आयोजित गांधी जयंती के दौरान स्कूली बच्चों और अध्यापकों में उस वक्त भगदड़ मच गई जब विद्यालय के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर स्कूली बच्चों के ऊपर गिर गया, जिससे स्कूली बच्चे हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वहीं इस पूरे मामले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। प्रधाना अध्यापक द्वारा विद्यालय के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन विद्युत लाइन को हटाए जाने के लिए पहले ही लिखित में शिकायत की जा चुकी थी, जिस पर आज तक बिजली विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से विद्यालय में यह हादसा हुआ है। आज डॉक्टर साहब, गांव रामपुर में तुलनात्मक विद्यालय में क्या घटना हुई? आज दो अक्टूबर की राष्ट्रीय जयंती हम सब लोग मना रहे थे गांव के अंदर। बच्चे प्रभात फेरी लेके यहां पर कार्यक्रम वगैरह की तैयारी कर रहे थे, और जब माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा था, ऊपर से 11,000 के तार टूट कर गिर गया। जिसमें किसी बच्चे को कोई हानि आना हानि तो नहीं है? ये बहुत बढ़िया रही कि जब तक कार्यक्रम अच्छे रूप से शुरू नहीं हुआ था, नहीं तो कार्यक्रम हो रहा था, हो सकता है बच्चे को घायल हो जाते, कोई मतलब ऐसी घटना नहीं हो पाई। तो कभी ये लापरवाही है? बिजली विभाग की लापरवाही है। हमने कई बार बिजली विभाग को लिख के दे दिया है, एक्सीएन तक, एसी तक, और अलीगढ़ भी भेज दिया, बार बार रिपोर्ट आ जाती है वापस का ये काम नहीं हो सकता है। आज काफी बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी बच गई है। जी सर।